गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द AIS द गुरुकुल इन सेकेंड क्लास। टुडे वी स्टडी हिंदी चैप्टर 7 प्रिया गई बाजार। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके शब्दार्थ और लेसन प्रातः शब्दार्थ किए थे और टिक द करेक्ट ऑप्शन किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट भाग दे रखा है, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, ऊपर फर्स्ट मौखिक प्रश्न उत्तर हेडिंग डालनी है आपको नोटबुक में। यह क्वेश्चन उतारना है क वाला। तो हम बाजार किस लिए जाते हैं, आंसर लिख रखा है। हम बाज़ार किस लिए जाते हैं, हम बाज़ार सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हमें बाज़ार में किस प्रकार रहना चाहिए, हमें बाज़ार में बड़ों के साथ रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड दे रखा है, आपको बाज़ार में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो ऐसा हो जाएगा दुकानें देखना और खिलौने खरीदना हमको बाज़ार में अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप नोटबुक में। सेकेंड क्वेश्चन आपके दे रखा है, पढ़ना सीखो, आपको इसको रिपीट करना है एक बार। रविवार, खिलौने, भीड़, बाजार, घंटाघर और छोड़ूंगी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन उतारना है। नीचे कुछ कथन दिए गए, उन्हें उचित नामों से मिलाओ, यानी आपको इस वाक्य को सही नाम से मिलाना है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन उतारना है, पेज नंबर दे रखा है 34 पे नीचे ये वाला, और फिर यही लिखना है, अरे प्रिया मम्मी कहाँ है, ये किसने कहा था, आगे लिख रखा है इसमें, यहाँ पे आ जाएगा चाचा जी, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, आगे चाचा जी, ठीक है। सेकंड में मम्मी मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ये कौन बोला था, प्रिया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिया बोली, ठीक है। आगे देखिए, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी, ये कौन बोल रहा है, मम्मी, तो मम्मी यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से आपको ये तीनों वर्ड लिखने हैं और इसका क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने हैं। थर्ड वाला एक बार मैं बोर्ड पर करके बता देती हूँ, ये कर लीजिए आप नोटबुक में। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बुक की सहायता से उतार लेना है, जो दे रखा है ऐसे ही, जो दे रखा है बुक की सहायता से पूरा कंप्लीट उतार लेना, ठीक है। फिर कह वाला दे रखा है, देखिए, अरे प्रिया मम्मी कहाँ हैं, ये लिख के और इक्वल करके आगे क्या लिखेंगे, चाचा जी, ये किसने कहा था, चाचा जी ने, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेकंड वाले दोनों करने हैं, सेकंड में हो जाएगा प्रिया बोली और थर्ड में मम्मी। ये आपको सेकंड क्वेश्चन अपने आप करना है, द्वितीय भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलो दो और हैं, वो बोर्ड पे करवा ही देती हूँ मैं एक बार। ख वाला देखिए, मम्मी मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ये कौन बोली, प्रिया, गया वाला देखिए, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी, ये बोली मम्मी। इसी तरीके से आपको ये तीनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद द्वितीय भाग है जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।